हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। खुश इसलिए कि पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, अब फिर एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया, सो मज़े ही मज़े हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? नहीं, कैसे, मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इस एक साल में कोरोना ने अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान किया है तो वह है एजुकेशन, स्टडी और स्टूडेंट। और अब जब आपके 12th के एग्जाम होने को थे, कोरोना अपनी सेकेंड इनिंग में 2020 खेल रहा है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परेशान है कि क्या करें, करना क्या है। चलो केमिस्ट्री की दुनिया में फ्रेंड्स। महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्सटबुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे ने कोरोना के कहर को देखते हुए कुछ दिनों पहले HSC क्वेश्चन बैंक रिलीज की। तो आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में उसी क्वेश्चन बैंक के सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर का पढ़ाई करेंगे फ्रेंड्स। वेरी शॉर्ट आंसर में आपको टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट आंसर लिखना होता है। फिर आपका आंसर एक सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है, एक नंबर हो सकता है फ्रेंड्स। वेरी शॉर्ट आंसर में स्टूडेंट्स को जनरली कम मार्क्स मिलते हैं, इसलिए हमने वेरी शॉर्ट आंसर पे दो वीडियोस, MCQs पर एक वीडियो और न्यूमेरिकल्स पे वीडियोस बनाए हैं। इतना ही नहीं, आपके 12th एग्जाम होने तक हम वीडियोस के जरिए आपकी मदद करते रहेंगे। सो प्लीज, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे वीडियोज को शेयर और लाइक कीजिए। सो अगेन वेलकम इन द केमिस्ट्री की दुनिया पावर्ड बाय वेलोसिटी एकेडमी, और मैं आपका दोस्त जावेद शेख। फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों दे रखा हूँ, आप उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और केमिस्ट्री की डिफिकल्टी सॉल्व कीजिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका आंसर एक सेंटेंस में आना चाहिए। एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, हेंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन फ्रैंकल डिफेक्ट रिमेन अनचेंज। कोई बच्चा इसका आंसर सिर्फ इतना लिखता है डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज तो भी एक मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ब्रेवेस्ट लैटिस इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम। यहां पर एक मार्क्स के लिए एक वर्ड भी सफिशियंट है। कोई बच्चा कहेगा सिंपल तो एक मार्क्स मिल जाएगा, कोई बच्चा कहेगा प्रिमिटिव तो एक मार्क्स मिल जाएगा। आप पूरा सेंटेंस कहोगे सिंपल और प्रिमिटिव ब्रेवेस्ट लैटिस इज इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां में डायमैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन देना है, मीन्स द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली पेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टल लैटिस। यहां पर कोई बच्चा अगर ऐसा लिखता है बोथ हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तो एक मार्क्स मिल जाएगा, कोई बच्चा ये लिखे बोथ हैव सेम पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 तो भी एक मार्क्स मिल जाएगा, या कोई इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिखता है जो दोनों में कॉमन है तो भी एक मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल। यस फ्रेंड्स, यहां पर आपको सिर्फ रिलेशन देना है, मीन्स फार्मूला देना है। तो यहां पर कोई बच्चा अगर एक मास के लिए ये फार्मूला देता है A = √8R तो एक मार्क्स मिलेगा, या फिर कोई बच्चा ये लिखेगा R = A√8 तो भी चलेगा, कोई बच्चा ये लिखेगा R = A/√2 तो भी एक मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ BCC यूनिट सेल। बच्चों, यहां पर डायग्राम आपको पेन से ड्रॉ करना है और उस डायग्राम में
क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे आपको एटम्स प्रॉपरली शो करना है और सेंटर में एक एटम शो करना है एक मास के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल इज एन बाई टू। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक फार्मूले पर बेस्ड है जिसमें कहा जाता है कि जितने एटम्स होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। यस मींस एन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, ये आपका आंसर हो गया, आपको सिर्फ इतना लिखना है। अभी आंसर कैसे आया, तो फिर आप वो फार्मूला टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ स्फीयर्स नंबर ऑफ एटम्स। यस नंबर ऑफ एटम कितना दिया है क्वेश्चन में, एन बाई टू दिया है, दैट्स वाई नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू एन बाई टू, मीन्स आपका आंसर आ गया द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज एन। बच्चों आपको इतना सब एक्सप्लेन करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है एन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट। मैं आपको समझा रहा हूं कि आंसर कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी लैटिस। आपको सिर्फ परसेंटेज देना है, हाउ मच, यस गेस करो, यस 32%। ओके अगर यहां पर एफसीसी होता तो 26%, अगर सिंपल होता तो 47.6%। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड है। इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 6.817 इंटू 10^-23 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यहां पर आपको वॉल्यूम दिया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का और आपसे पूछा गया है कि पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगेन आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो आपका आंसर आना चाहिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इज इक्वल टू 3.57 इंटू 10^-23। अब ये आंसर कैसे आया, ये आंसर के लिए हमारा सिंपल सा फार्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू पैकिंग फ्रैक्शन। अब फ्रेंड्स यहां इस फार्मूले की दो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, एक है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 6.817 10^-23 और क्वेश्चन में बोला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट्स व्हाई द पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.524। आप जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू 3.57 इंटू 10^-23 क्यूबिक सेंटीमीटर। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म इन 0.5 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर, व्हाट HCP स्ट्रक्चर। हियर यहां भी आपको सिर्फ आंसर कहना है, आपका आंसर आएगा 3.011 इंटू 10^-23। अभी आंसर आया कैसे वो आपको जानना जरूरी है, सो आप अगेन कहोगे वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन 6.022 इंटू 10^-23 पार्टिकल्स। आप ये भी जानते हैं दैट्स वाई 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू हाफ कर लो, हाफ कितना आएगा 3.011 इंटू 10^-23 पार्टिकल्स। आप ये भी जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दैट मीन आपका आंसर आएगा 3.011 इंटू 10^-23। तो फ्रेंड्स ये था आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई बच्चा इतना लिखे द सॉल्यूशन विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2,
What is a cryoscopic constant? Yes, is also known as molar depression constant. Is denoted by Kf. आप इसको define करेंगे. The cryoscopic constant is nothing but the depression in freezing point when the molality of the solution is unity. Yes, या आपके पास कोई alternate definition हो तो भी यहां पर चलेगा. Question number 3 from the solution chapter. What is the effect of dissolution of a non-volatile solute on the freezing point of solvent? Yes, यहां पर क्या बोला गया आपको? What is the effect of dissolution of a non-volatile solute on the freezing point of solvent? आप सभी जानते हैं जब किसी भी सॉल्वेंट में आप सोल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है. सब कहोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, इतना सफिशिएंट है. अब आगे और कह दो, आफ्टर डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. फ्रेंड्स, यहां आपको डेफिनेशन देना नहीं है, यहां छोटा सा फार्मूला देना है. That is, relative lowering of vapor pressure is equal to P0 minus P upon P0. एक मार्क्स के लिए. स्टेट राउल्ट्स लॉ. ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बच्चे ने सॉल्यूशन इस चैप्टर का पढ़ाई किया हो उसे राउल्ट्स लॉ ना आए. यहां पर आपको राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट मांगा है. आप कहोगे द पार्शियल प्रेशर of any volatile component is directly proportional to its mole fraction. कोई बच्चा अगर ये स्टेटमेंट देता है तो भी चलेगा. The partial pressure of any volatile component is the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट चलेगा एक मास के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ सिंपल वन, स्टेट हेनरीज लॉ. यस, यहां पर उसका स्टेटमेंट देना है आपको. द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर. फ्रेंड्स, यहां पर स्टेटमेंट देना है, यहां उसका फार्मूला नहीं चलेगा, याद रखिए. क्वेश्चन नंबर 7, What type of solution exhibit positive deviation from Raoult's law? आपको type of solution बोला है, आप उसको sentence से express कीजिए या फिर relation से express कीजिए. बस sentence आप कहोगे The solution in which solute solvent molecular attraction are weaker than solute and solvent-solvent molecular attraction shows positive deviation. आप इसी को mathematical expression से show कर सकते हैं. Means the partial pressure of such component is greater than the product of partial pressure of that pure component and its mole fraction. Question number 8. What is the enthalpy change and volume change of mixing of two components forming an ideal solution? क्या पूछा क्या है? बहुत सिंपल सी बात पूछा है कि जब आप आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, मींस एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा. तो बच्चों, जब आप आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है द हीट इज नाइदर लिबरेटेड नॉर एब्सॉर्ब, और द वॉल्यूम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस. तो हम इसको रिलेशन से शो करेंगे. मींस द डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो एंड द डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ न्यूमेरिकल, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 0.6
एंड 0.933 बार रेस्पेक्टिवली, मीन्स ए का वैल्यू 0.6 बार है और बी का वैल्यू 0.933 बार है एट अ सर्टेन टेम्परेचर. तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ देयर मिक्सचर इज 0.8. यहां पर तीन वैल्यूज दी गई है, P0A, P0B एंड PT, ये तीन वैल्यूज दी गई है. इसका आंसर आएगा X2 इज इक्वल टू 0.6, आपको एक मार्क्स मिल जाएगा. अभी आंसर आया कैसे, इसके लिए फार्मूला है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P02 माइनस P01 ब्रैकेट के बाहर X2 प्लस P01. अब ये फार्मूला कहां से आया, ये सबको रिमाइंडिंग के लिए सीधे रिलेशन. वी नो दैट द टोटल प्रेशर इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एंड 2. That's why put the value of Raoult's law, means total pressure is equal to P01 into X1 and P02 into X2. When we expand the bracket with the final relation, PT is equal to P01 minus P01 X2 and P02 X2. Yes, after solution this, the final one. Ye formula yahan se humne liya hai. If you put the value, 0.8 is equal to 0.933 minus 0.6 X2 plus 0.6. After solving the relation, we get X2 is equal to 0.6. Yes, आगे बढ़ते हैं. The vapor pressure of pure liquid is 0.043 bar at a certain temperature. When a non-volatile solute is dissolved into it, the vapor pressure of the solution is found to be 0.01 bar. What is the relative lowering of vapor pressure? Friends, question बहुत बड़ा है, answer बहुत छोटा है. इसका answer आएगा relative lowering of vapor pressure is equal to 0.0465. अभी answer कैसे आया? We know the formula. Relative lowering of vapor pressure is equal to P0 minus P upon P0. Put the value of each one, solve them, we get the answer 0.0465. Friends, teesra chapter hai aapka ionic equilibria. Question number 1. Name the buffer which is used to maintain pH of 8 to 10 for precipitation of cation 3A group in qualitative analysis. Friends, ये question connected है practical chemistry से. अब इस corona के pandemic season में आपके शायद ही ये practicals हो पाए होंगे. Is actually the inorganic qualitative analysis of basic radicals, जिसमें तमाम कटायंस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3A, ग्रुप 3B, ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6. यहां पर 3A के लिए आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हो, उसमें अमोनियम क्लोराइड पास करते हो, ऐड करते हो, उसमें एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो. तो सिंपली यहां पीएच मेंटेन करने के लिए आपको दो सॉल्यूशन चाहिए, वन इज अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस क्वांटिटी. आप नाम लिखिए या फार्मूला लिखिए, दोनों चलेगा. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट Bi2S3, इसका नाम होगा बिस्मथ सल्फाइड. फ्रेंड्स, बच्चों को यह बाय हार्ट होना चाहिए कि आपका सॉल्ट Ba टाइप है, Ba2 टाइप है, B2A टाइप है, Ba3 टाइप है, B3A टाइप है, B2A3 टाइप है. हमारा यहां का सॉल्ट ये B2A3 टाइप है. आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए, आंसर इज KSP इज इक्वल टू 108S विद द पावर 5. अभी आंसर कैसे आया, हम इलीगल वे से जाएंगे,
Here the charge of cation Q is 3. The charge of anion R is minus 2. Put the value in the formula, that is Ksp is equal to Q raised to Q, R raised to R and S raised to Q plus R. After putting the values, we get the answer Ksp is equal to 108 S with the power 5. आपको सिर्फ value लिखना है. Question number 3. What is the pOH if the hydrogen ion concentration in solution is 1 into 10 raised to minus 3 mole per liter, mole per cubic decimeter और same molar. Friends, इसका answer microsecond में आ जाता है. कि अगर H plus ion concentration 10 raised to minus 3 है तो उसका pH 3 है तो उसका pOH 11 होगा. हाँ, H plus ion concentration 3, 10 raised to minus 3, pH 3, pOH 11. अभी कैसे आया? विन द फॉर्मूला pH is equal to negative log of concentration of H plus ion. Put the value of concentration of H plus ion 10 raised to minus 3. Apply the log. That's why minus minus 3 log of 10. Log of 10 is 1. That's why minus minus plus. Answer is 3. अब अगर pH 3 है तो आप 14 minus pH कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 11. Question number 4. Write the relationship between molar solubility S and solubility product Ksp for CaF2. The salt is Ba2 type, means आप आंसर डायरेक्ट कहोगे Ksp is equal to 4s³. अब जरा गेस करो कि CaF2 में कैल्शियम का चार्ज क्या है? +2, means Q is equal to +2 और फ्लोराइड का चार्ज -1, R is equal to -1. So put the value in the formula, Ksp is equal to Q raised to Q, R raised to R, S raised to Q plus R. After putting the value, Ksp is equal to 4s³. Question number 5. Give any one example of salt derived from weak acid and weak base. Friends, आपको सिर्फ यहाँ पर नमक का नाम देना है. The salt which is formed by weak acid and weak base. यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट चलेगा, अमोनियम ऑक्सीडेट चलेगा, अमोनियम एसीटेट चलेगा. क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन. इस यहां पर एसिडिक बफर है तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा pH is equal to Ka plus log of concentration of acid divided by concentration of salt. तो ये फॉर्मूला एक मास के लिए. क्वेश्चन नंबर 7. लेबल द वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन. फ्रेंड्स, यू नो व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? सिंपली द एसिड बेस पेयर which are differ by one proton is known as conjugate acid base pair. Or the acid base pair which is formed by transfer of proton is known as conjugate acid base pair. Means आपको यहाँ पर ये check करना है कि एक proton का difference कहाँ पर आ रहा है. इस question में carbonate and bicarbonate ये conjugate acid base pair है और H2O and OH- ion ये conjugate acid base pair है. Question number 8. Friends, is very high level question, is generally asked in the NEET NJEE for 4 marks. यहाँ पर आपको 1 marks के लिए पूछा है. Calculate the pOH of 10 raised to minus 8 molar HCl. Friends, जैसे इससे पहले 10 raised to minus 3 का question आया था तो बच्चे इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि as HCl is 10 raised to minus 8 molar, that's why the pH of HCl solution is 8. अब जरा सोचो कि अगर pH 8 है तो solution acidic होगा या basic होगा? Of course basic होगा. And how it possible कि HCl solution basic होगा? Okay, so इसके लिए follow the route.
अब देखिए यहां पर आपका आंसर आएगा POH इज इक्वल टू 7.05। अब ये आंसर कहां से आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में आपके पास दो अलग अलग H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन है, एक पानी का है 10^-7 मोलर और एक HCl का है 10^-8 मोलर। इफ यू सॉल्व बोथ इन अ प्रॉपर वे तो आपका वैल्यू आएगा द टोटल H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 फ्रॉम द वॉटर एंड 0.1 इंटू 10^-7 फ्रॉम द एसिड। दैट्स व्हाई समेशन द वैल्यू द टोटल H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10^-7। पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, अगर आप ये वैल्यू फार्मूले में रखते हैं तो आपका आंसर आता है pH इज इक्वल टू 6.95। ये pH का वैल्यू है। अब 14-6.95 कर लो तो आपका आंसर आएगा 7.05। ये फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एक्सपांड isothermally and reversibly from V1 to V2. Yes, the formula is Wmax. Wmax is equal to -2.303 nRT log of V2 upon V1. अगर प्रेशर दिया होता log of P1 upon P2. Question number 2. Write the mathematical relation between delta H and delta U. Friends, याद है delta H को क्या क्या कहते हैं? Yes, delta H heat of reaction, delta H enthalpy change, delta H enthalpy change at constant pressure. और delta U क्या होता है? Delta U the internal energy change और yes energy of activation और enthalpy change at constant volume. तो यहां आपको एंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इन दोनों के बीच में रिलेशन देना है, लेकिन कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। फ्रेंड्स इस रिलेशन में कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, CO2 गैस फॉर्म में है। सो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हम काउंट नहीं करेंगे, दैट्स वाई O2 का 1 मोल है, CO2 का 1 मोल है, मीन्स द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0। पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। एज डेल्टा N 0, द होल वैल्यू बिकम 0 एंड दैट्स वाई द फाइनल आंसर इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -286 किलो जूल पर मोल। ये पानी के 1 मोल के लिए मतलब 18 ग्राम के लिए। सो कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ, बच्चे यहां पर गलती करते हैं, 0.018 किलोग्राम। फ्रेंड्स 0.018 किलोग्राम, अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं सो प्लीज मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका आंसर भी 18 ग्राम हो जाएगा। सो जितना उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उतना ही 18 ग्राम वाटर को फॉर्म करने के लिए लगेगा। सो आपका आंसर आएगा -286 किलो जूल। अभी आंसर कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन, 18 ग्राम वाटर के लिए -286 किलो जूल पर मोल। सो 18 ग्राम इंटू 10^-3, मैंने इसको जानबूझकर ग्राम में लिखा और किलोग्राम करने के 10^-3 डाल दिया, आंसर सेम रहेगा -286 किलो जूल पर मोल। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फ्रेंड्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन, बिकॉज इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई आपका आंसर आएगा द क्यू इज इक्वल टू -W, एज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस W। हियर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू, दैट्स वाई क्यू इज इक्वल टू -W। क्वेश्चन नंबर 5,
What is the sign? Only sign, positive or negative sign. When work is done on the system by the surrounding, on the system work of compression, by the system work of expansion. Work of compression positive, work of expansion negative. तो आप इतना कहेंगे W is equal to positive, एक मार्क्स मिल गया. B positive, एक मार्क्स मिल गया. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एक्सप्रेशन. अगेन राइट द एक्सप्रेशन showing relationship between enthalpy change and internal energy change. देखो नाम बदल दिया. लास्ट टाइम डेल्टा H डेल्टा U कहां था, अब enthalpy change and internal energy कहां. For gaseous phase reaction, yes, delta H is equal to delta U plus delta N RT. Question number 7, calculate enthalpy of formation of HCl if bond enthalpies of hydrogen, chlorine, HCl are 434 kilojoule, 242 kilojoule, 431 kilojoule per mole respectively. Friends, is actually a big numerical, ask for 2 marks in the regular. No way. आपको यहां पर डायरेक्ट आंसर मांगा है, आपका आंसर आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू -93 किलो जूल पर मोल. अभी आंसर कैसे आया उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. हियर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस कंबाइन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl. कितना? 2 मोल ऑफ HCl. So, if we apply the formula for enthalpy change, delta H is equal to hydrogen के लिए value है 434, chlorine के लिए value है 242, दोनों का summation कीजिए, या 676 minus 431 एक molecule के लिए, दो molecule के लिए 862, इस दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा -186 किलोजूल. कितने मोल के लिए? दो मोल के लिए. देखो एक मोल के लिए -93 किलोजूल पर मोल. नाउ द फिफ्थ चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिगिनिंग में आपने 4 मेन टर्म्स पढ़े हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी. ये वहां से आया है. आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, कम ऑन, यस, ओहम मीटर. अब ये कैसे आया? सीधा फार्मूला, रो मींस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इज अ रेजिस्टेंस इनटू ए स्क्वायर अपॉन एल. If you put the values of R, A, L in the unit, R is the ohm, A square is a meter square and L is a meter. So, आपका answer आएगा ohm meter. Question number 2, what is cell voltage? Cell voltage को आप cell EMF कहते हैं, yes, voltage of battery कहते हैं, yes, standard EMF of cell कहते हैं. इसके लिए actually formula है, बट यहां पर आपको स्टेटमेंट मांगा है, तो आप कहोगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या कहोगे? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड सेल वोल्टेज. क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. वहां पर स्टेटमेंट पूछा था और यहां पर रिलेशन पूछा है जी, तो आप कहोगे E0 cell is equal to E0 oxidation plus E0 reduction. Friends, अगर कोई बच्चा यहां पर दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहता है, that is E0 cell is equal to minus E0 reduction at LHS and plus E0 reduction at RHS, तो भी उसको एक मार्क्स मिलेगा. Question number 4 from the electrochemistry. Name the process by which water produces hydrogen gas at cathode during electrolysis of aqueous NaCl. Friends, is the electrolysis the Faraday first law, Faraday second law? इसमें आपने पढ़ा था कि अगर आप fused NaCl लोगे, बात ध्यान से सुनना,
अगर आप फ्यूज्ड NaCl लोगे तो आपको सोडियम और क्लोरीन गैस मिलेगा रेस्पेक्टिवली कैथोड और एनोड पर। बट अगर आप एक्वियस NaCl लोगे तो हियर वी गेट हाइड्रोजन गैस एज वेल एज क्लोरीन गैस एट द कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज नमक का पुल कौन भूल सकता है, इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, KCl, NaNO3 इन अगार अगार जेल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द निकेड। फुल फॉर्म, यस, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसका पोटेंशियल पूछा है, आपका आंसर सिर्फ एक वैल्यू में आएगा, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ निकेल सेल इज प्लस 1.4 वोल्ट। बच्चा 1.4 वोल्ट लिखता है तो भी एक मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन योर स्क्रीन राइट एन इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैमेडा बड़ा लैमेडा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फ्रेंड्स आपको यहां पर सिर्फ रिलेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फ्रेंड्स यहां आपको आंसर के लिए सिर्फ एक रिलेशन देना है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू लैमेडा अपॉन लैमेडा जीरो। यहां पर लैमेडा क्या है, लैमेडा इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। इसका वैल्यू जनरली लो होता है, लैमेडा जीरो, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफिनाइट डाइल्यूशन। फ्रेंड्स अगेन द वैल्यू ऑफ लैमेडा जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैमेडा, मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू एक होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू एक से कम होता है। नाउ 6th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, गिव वन एग्जांपल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फ्रेंड्स सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में दो एग्जांपल्स दिए हुए, वन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अगर आप सुक्रोज लेते हैं, शकर लेते हैं, उसमें आप वाटर ऐड करके उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इन एक्सेस ऑफ वाटर सुक्रोज हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। या आप दूसरा एग्जांपल दीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। एनी वन एग्जाम्पल गॉट वन मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको यहां पर सिर्फ ऑर्डर बताना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। रिएक्शन है टॉइज NH3 डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गिव्स N2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। फ्रेंड्स अगर इस रिएक्शन में प्लैटिनियम होगा तभी रिएक्शन हो पाएगा, अगर प्लैटिनियम नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स रिएक्शन का होना और ना होना ये प्लैटिनियम तय करेगा, दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है आपको, इथाइल आयोडाइड कन्वर्टेड टू इथिलीन एंड HI। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट 1, देयरफॉर द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1, एक मास के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन
टॉइज N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 इज, इसका K का वैल्यू दिया है 4.98 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, पर सेकेंड। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स मैंने दो बार कहा आंसर को, यस द यूनिट बताता है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5, यस अ सिंपल क्वेश्चन, राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फ्रेंड्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड फॉर्म्स अलग अलग है, आप कोई एक दे सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ये लिखेगा KT इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A₀ - AT, चलेगा। यस ये इक्वेशन को छोड़कर अगर आपके पास कोई अदर इक्वेशन है तो भी चलेगा, बट वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्लोएस्ट स्टेप। फ्रेंड्स स्लो स्टेप पूछा है, दैट डिटरमाइंस द रेट इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फ्रेंड्स अगर कोई रिएक्शन दो स्टेप में होता है, पहला स्टेप स्लो है दूसरा स्टेप फास्ट है, यस द रेट ऑफ डिटरमाइन इज इन द स्लो स्टेप एंड इज नोन एज, यस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक मास के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपकी बुक में, स्टेट बोर्ड की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, आपकी JEE और नीट की बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, आपको एक कॉपी कर लीजिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी दो है, बट दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस ओनली बाय हीटिंग, दैट्स व्हाई इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ न्यूमेरिकल फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, टॉइस NO प्लस H2 गिव्स N2 प्लस H2O। ये क्वेश्चन में रिएक्शन दिया है और रेट लॉ भी दिया है, द रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO विद द पावर 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ओके फ्रेंड्स रेट लॉ देखकर पता चलता है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप आंसर प्रॉपर देंगे। कोई बच्चा अगर इतना लिखता है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3, एक मार्क्स मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स आप अच्छे बच्चे हैं, आपको पूरा आंसर लिखना चाहिए, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज OSO बॉन्ड एंगल इन SO2। फ्रेंड्स इज वेरी फेमस स्ट्रक्चर, एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दो मार्क्स के लिए भी पूछता है। यस वही वाला P pi, P pi, P pi, D pi बॉन्डिंग वाला। फ्रेंड्स इसका बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री होता है। कोई बच्चा सिर्फ इतना लिखता है यस 119 डिग्री तो भी एक मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फ्रेंड्स ऐसे रिएक्शन में बहुत मजा आता है, रिएक्शन इनकम्प्लीट होता है कंप्लीट करना होता है, लाइक प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज SO2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। यस आंसर गेस करो, यस इज द एडिशन रिएक्शन, वी गेट SO2 Cl2। नाम बोलेगा ऐसा कोई, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या नाम है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्मड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी से पास करते हो तो आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। क्या मिलता है, सल्फ्यूरस एसिड। आपको सिर्फ नाम देना है, रिएक्शन ऐसा होगा SO2 प्लस H2O gives H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ गैलिना। इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, गैलिना इज नथिंग बट लेड सल्फाइड।
आपको फार्मूला पूछा है पीबीएफ, नाम नहीं चलेगा, आपको फार्मूला पूछा है तो फार्मूला ही देना होगा पीबीएस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोरॉन पे एप्लीकेबल है, नाइट्रोजन पे एप्लीकेबल है, ऑक्सीजन पे एप्लीकेबल है, फ्लोरीन पे एप्लीकेबल है, और उन सब का रीजन एक ही होगा, दे डू नॉट हैव डी ऑर्बिटॉल, इनमें डी ऑर्बिटॉल नहीं होता, मीन्स ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटॉल। आंसर में कोई बच्चा सिर्फ इतना लिखता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटॉल तो भी एक मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज और आर प्रेजेंट इन Cl(F5)। फ्रेंड्स वन लोन पेयर इज प्रेजेंट इन Cl(F5)। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड विथ मोनोवैलेंट मेटल। फ्रेंड्स यहां पर ऑर्डर प्रॉपरली देना है आपको। सपोज आपने मेटल फ्लोराइड ले लिया, मीन्स यहां पर हमने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चेंज किया और मेटल कांस्टेंट रखा, मेटल में भी लिथियम में भी सोडियम में भी पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रांसियम कोई भी चलेगा। तो हियर फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नाउ फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we discuss the very short answer on chapter number 8 to 16. So please, agar aapko video pasand aaya hai to channel ko subscribe kijiye, bell icon ko click kijiye, hamare videos ko like aur share kijiye. Thank you again.